हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी एमटीएस का 8 अक्टूबर के सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार की जो है आज आपके 8 अक्टूबर के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि मृणालिनी साराभाई किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो देखिए, मृणालिनी साराभाई की बात कर ले तो ये जो आपका भरतनाट्यम और कथकली शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो ऑप्शन में या तो आपका भरतनाट्यम दिया गया होगा या फिर आपका कथकली दिया गया होगा या फिर दोनों ही ऑप्शन में जो आपके दिए गए होंगे। तो जिस भी ऑप्शन में आपका भरतनाट्यम या कथकली दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इनके अगर पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए, मृणालिनी साराभाई की को जो है 1965 में इन्हें पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और इन्हें 1992 में जो है पद्म भूषण अवार्ड से भी जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि दिसंबर 2023 में प्रो कबड्डी लीग का जो है ये कौन सा संस्करण हुआ था। तो देखिए, दिसंबर 2023 में जो है प्रो कबड्डी लीग का जो है ये आपका 10वां संस्करण हुआ था। तो 10वां सीजन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले 2023 में प्रो कबड्डी लीग का विजेता कौन रहा था। तो देखिए, 10वें सीजन का जो विजेता है ना, ये आपका पुनेरी पल्टन रहा था, और पुनेरी पल्टन जो है इसका पहला खिताब जो वो जीता था। वहीं अगर बात कर ले उप विजेता यानी द्वितीय विजेता कौन रहा था, तो देखिए इसमें आपका 10वें सीजन में जो आपका उप विजेता रहा था ना, यानी रनर्स अप रहा था, यह आपका हरियाणा स्टीलर्स रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा बात कर ले प्रो कबड्डी लीग के बारे में, तो प्रो कबड्डी लीग की जो शुरुआत है ये आपका वर्ष 2014 में जो वो किया गया था, और पहला जो सीजन हुआ था इसका जो विजेता टीम रहा था ना, ये आपका जयपुर पिंक पैंथर्स रहा था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि शतरंज में गैम्बिट का जो है मतलब पूछा गया था। तो देखिए, शतरंज की शुरुआत को संदर्भित करने के लिए जो है ऐसी स्थिति में लाभ प्राप्त करने के लिए बिशप के मोहरे को जो है ये आपका जानबूझकर जो है ये आपका बलिदान किया जाता है या फिर उसे फंसाया जाता है। तो यही जो आपका शतरंज में जो है गैम्बिट का जो है वो अर्थ होता है। तो ऑप्शन में आपका दिया गया होगा कि बिशप के मोहरे को जो है जानबूझकर जो है ये आपका त्याग दिया जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द नेम सेक, यानी जो द नेम सेक पुस्तक है ना ये किसके द्वारा जो वो लिखा गया है। तो देखिए, द नेम सेक ये जो पुस्तक है ना ये आपके झुम्पा लाहिड़ी के द्वारा जो वो लिखा गया है। तो झुम्पा लाहिड़ी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 360 जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए, अनुच्छेद 360 की बात कर ले तो ये जो आपका वित्तीय आपातकाल से जो वो संबंधित है। तो वित्तीय आपातकाल आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान में जो है आपके 3 अनुच्छेद का प्रावधान जो वो किया गया है आपातकाल के संदर्भित। तो कौन कौन से आपके जो है अनुच्छेद हैं, तो देखिए 352 की बात कर ले तो इसमें जो आपका राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में जो वो बताया गया है, 356 के बारे में अगर पूछा जाए तो ये जो आपका प्रेसिडेंट रूल यानी राष्ट्रपति शासन के बारे में जो है अनुच्छेद 356 में बताया गया है, और अनुच्छेद 360 जो है ये आपका वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, इसलिए वित्तीय आपातकाल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के संविधान में समवर्ती सूची की जो अवधारणा है ना ये किस देश के संविधान से जो वो गृहित किया गया है। तो देखिए, भारत के संविधान में जो समवर्ती सूची की जो अवधारणा है ना ये आपके ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो वो लिया गया है। तो ऑस्ट्रेलिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच फाइलम डू सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स टू, यानी निम्नलिखित में से किस संघ के जंतुओं का जो शरीर है ना ये खंडित तो होता है। तो देखिए, ये जो आपका एनेलिडा संघ के जो जंतु होते हैं ना इनका जो शरीर होता है ना वो खंडित होता है। तो एनेलिडा जिस भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि नागालैंड के नगाड़ा त्यौहार जो है ये किस जनजाति के द्वारा जो वो मनाया जाता है। तो देखिए, ये जो आपका नगाड़ा त्यौहार है ना ये आपका नागालैंड राज्य में मनाया जाता है, और नागालैंड राज्य में जो है यह आपके रेंगमा नागा जनजाति के द्वारा जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। तो रेंगमा नागा जनजाति आपका करेक्ट आंसर होगा।
इसके अलावा बात कर लीजिए जो आपका नगाड़ा त्यौहार है, ये नागालैंड में कब किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो त्यौहार है ना, ये आपका नवंबर या फिर दिसंबर के अंत में जो है इस त्यौहार को जो वो मनाया जाता है। और रिंगमा नागाओं का जो ये मानना है कि इस त्यौहार के दौरान मृतकों की जो आत्माएं हैं ना, उनकी कब्र और उनके रिश्तेदारों के घर जो है वो आती है। तो ये जो आपका इस त्यौहार में जो ये आपका मानना है। इसके अलावा अगर अन्य त्यौहार की बात कर ले नागालैंड के, तो देखिए हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है ये आपका नागालैंड का ही जो है ये आपका महत्वपूर्ण त्यौहार है, जो कि आपका प्रत्येक वर्ष 1 से 10 दिसंबर तक जो है ये आपका नागालैंड राज्य में जो वो मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ रहता है कि द न्यू एजुकेशन पॉलिसी इज बेस्ड ऑन पिलर्स, हाउ मैनी पिलर्स डज हैव NEP 2020 हैव, यानी जो आपका नई शिक्षा नीति है स्तंभों पर आधारित है, और इसमें आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो है ये आपके कितने स्तंभ हैं। तो देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो है आपके टोटल 5 स्तंभों पर जो है ये आपका आधारित है। और वो 5 स्तंभ कौन कौन से हैं, तो पहला आपका एसेज, सेकेंड आपका इक्विटी, थर्ड आपका क्वालिटी, फोर्थ आपका अफोर्डेबिलिटी और फिफ्थ आपका अकाउंटेबिलिटी। ये जो आपके 5 स्तंभों पर जो है आपका न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो वो आपका आधारित है। तो 5 स्तंभ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में जो है स्कूली शिक्षा ये जो आपका कितने भागों में बांटा गया है, तो देखिए न्यू एजुकेशन पॉलिसी में स्कूली शिक्षा को जो है ये आपका 4 भागों में जो है वो बांटा गया है। और वो 4 भाग कौन कौन से है, तो पहला आपका 5 है, सेकेंड आपका जो है वो 3rd है, थर्ड भी जो आपका 3rd है, और फोर्थ जो आपका 4th है। तो ये आप जो है 4 भाग का जो है आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मैच द फॉलोइंग से आया था, जहाँ पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का जो है आपको बताना था कि इसके स्थापना जो है किसके द्वारा किया गया था। तो देखिए ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की जो स्थापना है ना, ये आपका 1939 में जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक में आपका सुभाष चंद्र बोस जो है ये आपका सही मैचिंग होगा। उसके बाद आपका आर्य समाज को जो वो सही मैच करना था। तो देखिए आर्य समाज की जो स्थापना ये आपका 1875 में जो है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा जो वो किया गया था। तो आर्य समाज में जो है आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जो वो आपका सही चला जाएगा। थर्ड आपका जो पूछा गया था कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी को जो वो आपको मैच करना था। तो देखिए कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की जो स्थापना है ना, ये आपके जेपी नारायण के द्वारा जो वो किया गया था। तो जेपी नारायण इसमें आपका जो वो सही मैच होगा। फोर्थ जो आपका था नेशनल इंडियन एसोसिएशन। तो देखिए नेशनल इंडियन एसोसिएशन की जो स्थापना है ना, ये मैं आपको बता दूं कि इसकी जो स्थापना है ये आपका 1876 में जो है सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा जो वो किया गया था। तो ऑप्शन में या तो आपका आनंद मोहन बोस या फिर सुरेंद्रनाथ बनर्जी दिया गया होगा, तो इन दोनों में से जो भी दिया गया होगा ये फोर्थ वाला का जो वो आपका सही मैचिंग होगा। तो इस प्रकार से जिन्होंने भी मैच किया होगा उनका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि संघे मिल से मुलाकात, जो आपका 1989 में जो डॉक्यूमेंट्री आई थी ये किसके जीवन और संगीत पर आधारित था। तो देखिए संघे मिल से मुलाकात ये जो डॉक्यूमेंट्री आई था ना, ये आपके उस्ताद बिस्मिल्ला खान के जीवन पर जो है और संगीत पर जो ये आपका आधारित था। तो उस्ताद बिस्मिल्ला खान आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि अकॉर्डिंग टू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2019-21 व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ पॉवर्टी हेड काउंट इन अर्बन इंडिया, यानी बहुयामी गरीबी सूचकांक के मुताबिक साल 2019-21 में जो है शहरी भारत में गरीबी का जो दर था ये कितना रहा था। तो देखिए MPI वर्ष 2019-21 के अकॉर्डिंग शहरी भारत में गरीबी का जो दर रहा था ना, ये आपका 5.27% रहा था। तो 5.27% आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर ग्रामीण भारत में गरीबी का दर अगर आपसे पूछा जाए, तो देखिए ग्रामीण भारत में गरीबी का जो दर है ना 2019-21 में ये आपका 19.28% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नेशनल यूनिटी डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डे, यानी राष्ट्रीय एकता दिवस जो है प्रत्येक वर्ष जो है ये कब मनाया जाता है। तो देखिए राष्ट्रीय एकता दिवस जो है ये आपका प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर को जो वो मनाया जाता है। तो 31 अक्टूबर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न पूछा जाता है कि ये जो आपका नेशनल यूनिटी डे यानी राष्ट्रीय एकता दिवस जो मनाया जाता है ये किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो देखिए ये जो आपका राष्ट्रीय एकता दिवस है ना, ये भारत के पहले गृह मंत्री और भारत के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में जो है इसका जो राष्ट्रीय एकता दिवस जो वो मनाया जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को ही जो है ये भारत का लौह पुरुष भी जो वो कहा जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि पीएम मोदी रिसीव्ड ऑर्डर ऑफ द नाइल अवार्ड फ्रॉम विच कंट्री, यानी पीएम मोदी को जो है किस देश से जो है ऑर्डर ऑफ द नील पुरस्कार जो वो से जो वो सम्मानित किया गया था। तो देखिए ये जो आपका ऑर्डर ऑफ द नील जो पुरस्कार है ना, ये किस देश का जो है वो सर्वोच्च पुरस्कार है, तो ये जो आपका मिस्र का जो है ये आपका सर्वोच्च राज्य सम्मान है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जो है ये आपका 2023 में जो है मिस्र का सर्वोच्च राज्य सम्मान ऑर्डर ऑफ द नील पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था, तो मिस्र आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भीतरगांव मंदिर ये जो आपका किससे निर्मित है, तो देखिए भीतरगांव मंदिर ये जो आपका प्रीवियस ईयर में भी जो है ये प्रश्न आपसे पूछा गया था, तो देखिए भीतरगांव मंदिर जो है ना ये आपका ब्रिक्स एंड टेरिकोटा यानी ईटों और टेरिकोटा से जो है इस मंदिर का निर्माण जो वो किया गया है, तो ऑप्शन में या तो आपका ईट दिया गया होगा या फिर टेरिकोटा दिया गया होगा, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले ये जो आपका भीतरगांव का जो मंदिर है ये किस राज्य में स्थित है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और इस मंदिर का जो निर्माण है ना ये गुप्त साम्राज्य के दौरान 5वीं से 6वीं शताब्दी में जो है ये आपका स्कंद गुप्त के द्वारा जो वो करवाया गया था, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ बता था कि काल बैसाखी जो है ये किस राज्य में चलती है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हिंसक झोंकों और भारी बारिश से जुड़े स्थानीय तूफानों को जो है ये आपका काल बैसाखी के रूप में जो वो जाना जाता है, और ये जो आपका काल बैसाखी है ना ये पश्चिम बंगाल में जो वो चलता है, तो पश्चिम बंगाल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी ऑफ इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड इन द ईयर, यानी भारत का जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है ना ये किस वर्ष में तैयार जो वो किया गया था, तो देखिए भारत में पहली जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है ना ये आपका वर्ष 1976 में जो वो लागू किया गया था। हालांकि मैं आपको बता दूँ कि वर्ष 2000 में जो है भारत ने एक नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति भी जो वो अपनाई थी, और इस नीति को जो है ये आपका MS स्वामीनाथन की अध्यक्षता में जो है गठित एक विशेषज्ञ दल की सिफारिश के आधार पर जो है ये आपका बनाया गया था, तो ऑप्शन में या तो आपका 1976 दिया गया होगा या फिर आपका वर्ष 2000 दिया गया होगा, तो इन दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि पिपरवा जो स्तूप है ना ये किसने बनवाया था, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि पिपरवा स्तूप का जो निर्माण है ना ये आपका संभवतः 3 चरणों में जो वो किया गया था, और पहला जो चरण है ना ये आपके बुद्ध के मृत्यु के समय शाक्यों के द्वारा जो इसे बनाया गया था, तो ऑप्शन में अगर आपका शाक्य दिया गया था तो शाक्य जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इसमें से कौन सा स्तंभ जो है आयरन एज यानी लौह युग से संबंधित जो है ये आपका नहीं है, तो देखिए ऑप्शन में जो है आपका महरौली का लौह स्तंभ दिया गया था, तो देखिए ये जो आपका आयरन पिलर जो आपका महरौली का है ना ये आपका लौह युग से संबंधित नहीं है, तो महरौली का लौह स्तंभ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट अगर हम लोग इंग्लिश की बात कर ले तो इंग्लिश में जो है आपका हेस्ट का जो वो एंटोनीम पूछा गया था, तो देखिए हेस्ट का जो एंटोनीम होगा ना वो ऑप्शन में आपका डिले दिया गया था, तो डिले जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा विग्रस का जो आपका सिनोनीम पूछा गया था, तो देखिए विग्रस का जो आपका सही सिनोनीम होगा ना वो आपका इनर्जेटिक हो जाएगा, तो इनर्जेटिक आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर ईडियम की बात कर ले तो देखिए क्लियर द मड ये जो आपका ईडियम जो वो पूछा गया था, तो देखिए क्लियर द मड इसका जो आपका सही ईडियम होगा ना यार आपका वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होगा, तो वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक और आपका सिनोनीम पूछा गया था जो कि आपका पैम्पर का जो वो सिनोनीम पूछा गया था, तो देखिए पैम्पर का जो सिनोनीम होता है ना ये आपका मौलिक कॉडल होता है, तो मौलिक कॉडल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा करेक्ट स्पेलिंग में जो है कैरो यूजुअल का जो आपका करेक्ट स्पेलिंग जो वो पूछा गया था, तो कैरो यूजुअल का ये जो आपका करेक्ट स्पेलिंग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था प्रसिद्ध संगीतकार अन्नपूर्णा देवी जो है ये आपके किस वाद्यंत्र से संबंधित है, तो देखिए अन्नपूर्णा देवी की बात कर ले तो ये जो आपका सुरबहार वाद्यंत्र से संबंधित है, तो सुरबहार आपका करेक्ट आंसर होगा। इनके अगर पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए इन्हें 1977 में जो है पद्म भूषण अवार्ड से जो वो सम्मानित किया गया था, और अन्नपूर्णा देवी जी को जो है 1991 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर बात कर ले MS सुबू लक्ष्मी के बारे में तो ये जो आपके कर्नाटक शास्त्रीय गायक से जो वो संबंधित है, और इन्हें 1998 में जो है भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। पंडित रविशंकर के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, तो देखिए पंडित रविशंकर जो है ना ये आपके सितार वाद्यंत्र से
संबंधित है और इन्हें वर्ष 1999 में जो है भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। बिस्मिल्ला खान के बारे में पूछा जाए तो ये आपके सहनाई वादक हैं, इन्हें 2001 में जो है भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। पंडित भीमसेन जोशी के बारे में पूछा जाए तो देखिए पंडित भीमसेन जोशी जो है ये आपके हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक से संबंधित है और इन्हें 2008-09 में जो है भारत रत्न से जो वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा प्रसिद्ध वाद्यंत्र और उनके कलाकारों के नाम देख लेते हैं जहाँ से TCS के द्वारा एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि संतूर वाद्यंत्र में आपके पंडित शिव कुमार शर्मा और भजन सुपारी आ जाते हैं। बांसुरी वाद्यंत्र में जो आपके हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष, ये जो आपके बांसुरी वाद्यंत्र से संबंधित है। तबला वाद्यंत्र की बात कर लें तो देखिए जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा खां, साबिर खां, पंडित किशन महाराज, पंडित ज्ञान प्रकाश घोष, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके तबला वाद्यंत्र से है। सरोद वाद्यंत्र की बात कर ले तो इसमें आपके अलाउद्दीन खान, अली अकबर खान, अमजद अली खान, बुद्धदेव दास गुप्ता, इन सभी का जो संबंध है ना ये सरोद वाद्यंत्र से है। सहनाई वादक में जो है आपके बिस्मिल्ला खान, कृष्णा राम चौधरी, अली अहमद हुसैन, इन सभी का जो संबंध है ये आपके सहनाई वाद्यंत्र से है। सितार वाद्यंत्र की बात कर ले तो देखिए पंडित रविशंकर, साहित्य परवेज खान, बुद्धादित्य मुखर्जी, अनुष्का शंकर, इनका जो संबंध है ये आपके सितार वाद्यंत्र से है। सरंगी वाद्यंत्र में जो है आपके सकूर खान, पंडित राम नारायण, रमेश मिश्रा, सुल्तान खान, इन सभी का जो संबंध है आपका सारंगी वाद्यंत्र से है। वीणा वादक की बात कर ले तो यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ये आपके जो जिया मोहिद्दीन जो डागर है ना ये आपके रुद्र वीणा से संबंधित है, ना कि वीणा से संबंधित है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जिया मोहिद्दीन डागर ये जो आपके किस वाद्यंत्र से संबंधित है तो रुद्र वीणा आपका करेक्ट आंसर होगा। वीणा की बात कर ले तो अयंगरी श्याम सुंदरम और दोराई स्वामी अयंकर, इनका जो संबंध है ना ये आपके वीणा वाद्यंत्र से है। रुद्र वीणा में आपके जिया मोहिद्दीन डागर और असद अली खान, इनका जो संबंध है ये आपके रुद्र वीणा से है। मोहन वीणा की बात कर ले तो देखिए पंडित विश्व मोहन भट्ट, जिन्हें मोहन वीणा के आविष्कारक के रूप में भी जाना जाता है और ये जो आपके मोहन वीणा से संबंधित है। वायलिन वादक की बात कर ले तो इसमें आपके सुश्री गोपाल कृष्ण, श्रीमती एम राजम, एन आर मुरलीधरन, एम चंद्रशेखरन, विजय जोग, इसके अलावा लालगुड़ी जयरामन, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके वायलिन वाद्यंत्र से है। घटम की बात कर ले तो इसमें आपके TH विनायक राम आ जाते हैं, EM सुब्रमण्यम, इन सभी का जो संबंध है ये आपके घटम वाद्यंत्र से है। मृदंगम की बात कर ले तो इसमें आपके KB प्रसाद, SV राजा रॉय और उमल्यापुरन शिवरामन, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके मृदंगम वाद्यंत्र से है। मैंडोलिन की बात कर ले तो इसमें आपके यू श्रीनिवास आ जाते हैं, पखावाज में आपके तोता शर्मा आ जाते हैं, सुरबहार में आपकी अन्नपूर्णा देवी आ जाती है, जैसे कि मैंने आपको एक्स्ट्रा फैक्ट में ये बताया था। इसके अलावा गिटार की बात कर ले तो इसमें जो आपके ब्रजभूषण काबरा आ जाते हैं। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु गेव द स्लोगन गो बैक टू द वेदास, यानी वेदों की ओर लौटो, ये जो नारा है ना ये किसके द्वारा जो है वो दिया गया था। तो देखिए वेदों की ओर लौटो का जो नारा है ना ये महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा जो है वो दिया गया था। तो दयानंद सरस्वती आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए महर्षि दयानंद सरस्वती के द्वारा ही जो है आपके आर्य समाज की जो स्थापना है ये आपका 10 अप्रैल 1875 को जो है ये आपका बॉम्बे में इसकी स्थापना जो वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि दयानंद सरस्वती ने ही जो है सबसे पहले स्वराज का जो नारा ये 1876 में जो वो दिया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा इनका एग्जाम में जो वास्तविक नाम पूछा जाता है तो देखिए स्वामी दयानंद सरस्वती के वास्तविक जो नाम था ना ये मूल शंकर था और ये इन्होंने जो है सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना है वो की थी। एग्जाम में पूछा जाता है कि सत्यार्थ प्रकाश की जो रचना ये किसके द्वारा किया गया था तो ये आपके दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। और इनके गुरु का नाम अगर पूछा जाए एग्जाम में तो देखिए इनके गुरु का जो नाम था ना ये स्वामी विरजानंद था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता कि भारतीय हॉकी टीम ने ओलंपिक में जो पहला स्वर्ण पदक है ना ये किस वर्ष में जीता था। तो देखिए भारतीय हॉकी टीम के द्वारा ओलंपिक में जो पहला स्वर्ण पदक है ना ये आपका 1928 के एमस्टर्डम ओलंपिक में जो वो जीता गया था। तो वर्ष 1928 आपका करेक्ट आंसर होगा। ओलंपिक का नाम पूछ ले कि किस ओलंपिक में जीता गया था तो ये आपका एमस्टर्डम ओलंपिक में जो वो जीता गया था। और इस समय जो आपके भारतीय टीम के कप्तान कौन थे तो देखिए इस ओलंपिक में जो भारतीय टीम के कप्तान थे ना
ये आपके जयपाल सिंह मुंडा थे। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1936 का जो ओलंपिक हुआ था इसमें भी भारत जो है स्वर्ण पदक जीता था, और इसमें जो आपके भारतीय हॉकी टीम के जो कप्तान रहे थे ना, ये आपके मेजर ध्यानचंद रहे थे, क्योंकि मेजर ध्यानचंद को जो है ये आपका हॉकी का जादूगर भी जो वो कहा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि भारतीय हॉकी टीम ने जो है लगातार 1928 से लेकर 1956 तक लगातार जो वो 6 स्वर्ण पदक जो है वो ओलंपिक में जीते थे। इसके अलावा भारत ने जो अगला स्वर्ण पदक है ये 1964 में जीता था। उसके बाद सबसे जो लास्ट स्वर्ण पदक यानी गोल्ड मेडल जो है ना, ये आपका 1980 में जो है मास्को ओलंपिक में जो वो जीता था। और वर्तमान में भारतीय हॉकी टीम ने जो है ओलंपिक में अब तक 13 पदक जो वो जीत चुके हैं, जिसमें 8 गोल्ड, 1 रजत और 4 जो है ये आपका ब्रॉन्ज मेडल जो वो शामिल है। क्योंकि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय हॉकी टीम के द्वारा जो अपना अंतिम जो गोल्ड मेडल है ना, ये किस ओलंपिक में जीता गया था, तो ये आपका 1980 के मॉस्को ओलंपिक में जो वो जीता गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा था कि विन वाज प्रेरणा श्रीमाली गिवेन द संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड, यानी प्रेरणा श्रीमाली को जो है ये संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। तो देखिए, प्रेरणा श्रीमाली की बात कर ले तो ये जो आपका कथक के जयपुर घराने से जो वो आपका संबंधित है, और इन्हें 2009 में जो है संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से जो वो सम्मानित किया गया था। तो वर्ष 2009 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विच गॉडेस इज वर्शिप इन द चिथिराल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन मदुरई तमिलनाडु, यानी तमिलनाडु के मदुरई में जो आपका चिथिराई महोत्सव जो मनाया जाता है ना, इस महोत्सव में किस देवी की पूजा जो वो की जाती है। तो देखिए, सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि ये जो आपका चिथिराई महोत्सव ये आपका तमिलनाडु राज्य में मनाया जाता है, और इस महोत्सव में जो है ये आपके देवी मीनाक्षी की पूजा जो वो की जाती है। तो देवी मीनाक्षी आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, ये जो आपका महोत्सव है ना, ये आपके भगवान सुंदरेश्वर यानी भगवान शिव और देवी मीनाक्षी के दिव्य मिलन का जो वो जश्न मनाता है। अगर ऑप्शन में आपका देवी मीनाक्षी या फिर पार्वती, जो दोनों में से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वन प्रोडक्ट वन डिस्ट्रिक्ट स्कीम ऑफ गुजरात एलोकेशन मनी फॉर दिस स्कीम, यानी गुजरात सरकार ने जो है कितने रुपए के अनुदान के साथ एक जिला एक उत्पाद योजना जो है ये लागू किया है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि गुजरात सरकार ने अपने स्वदेशी उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ावा देने के लिए जो है 58 करोड़ रुपए के अनुदान के साथ जो है एक जिला एक उत्पाद योजना जो वो लागू किए हैं। तो 58 करोड़ रुपए आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट यानी NFSA जो है वाज पास्ड ऑन, यानी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम जो है ये कब पारित किया गया था। तो देखिए, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम की बात कर ले तो ये जो आपका 5 जुलाई 2013 को जो है इसे पारित किया गया था, और 12 सितंबर 2013 को जो है इस कानून पे जो वो हस्ताक्षरित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए, इस अधिनियम को जो है ये आपका भोजन का अधिकार अधिनियम के रूप में भी जो है वो जाना जाता है। तो 5 जुलाई 2013 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जिंदगी नामा उपन्यास जो है ये किसने लिखा है। तो देखिए, जिंदगी नामा उपन्यास जो है ये आपके कृष्णा सोबती के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो कृष्णा सोबती आपका करेक्ट आंसर होगा। और देखिए, इसी उपन्यास के लिए जो है कृष्णा सोबती को 1980 में जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ कबड्डी कोर्ट फॉर मैन, यानी पुरुषों के लिए कबड्डी कोर्ट की जो लंबाई है ना ये कितनी होती है। तो देखिए, पुरुषों के लिए कबड्डी कोर्ट की जो लंबाई है ना ये आपका 13 मीटर होता है, वहीं अगर विड्थ यानी चौड़ाई की बात कर ले तो ये आपका 10 मीटर होता है। तो 13 मीटर आपका करेक्ट आंसर होगा। तो ये तो हो गया आपका पुरुषों के लिए। अगर महिलाओं का पूछा जाए तो देखिए, महिलाओं के लिए कबड्डी मैदान की जो लंबाई है ना ये आपका 12 मीटर होता है, और चौड़ाई की बात कर ले तो ये आपका 8 मीटर होता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अकॉर्डिंग टू द 2021 HDI यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स अकॉर्डिंग विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज हाईएस्ट लाइफ एक्सपेक्टेंसी ऑफ वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, यानी आपका ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 के अनुसार भारत के किस पड़ोसी देश में जो है गर्भावस्था के दौरान महिलाओं का जो जीवन प्रत्याशा है ना ये सबसे अधिक है। तो देखिए, HDI 2021 के अकॉर्डिंग भारत के जो आपका ये श्रीलंका जो देश है ना, इसका जो गर्भावस्था के दौरान महिलाओं की जो जीवन प्रत्याशा है ना ये सबसे अधिक है। तो श्रीलंका ऑप्शन में दिया गया होगा, तो श्रीलंका आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बता रहा था कि ए जज ऑफ द हाई कोर्ट रिटायर्स एट द एज ऑफ, यानी उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है ना, ये कितने वर्ष की आयु में जो है ये आपके सेवानिवृत्त यानी रिटायर जो वो हो जाते हैं। तो देखिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो है ये आपके संविधान के अनुच्छेद 217 और क्लोज 1 के अकॉर्डिंग जो है ये आपके उच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं ना ये 62 वर्ष की आयु में जो है ये आपके रिटायर जो वो हो जाते हैं। तो 62 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कुछ बच्चों ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का पूछा गया था, तो देखिए मैं वो भी आपको बता देता हूँ कि संविधान के अनुच्छेद 124 के क्लोज 2 के अकॉर्डिंग जो है सुप्रीम कोर्ट यानी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का रिटायर होने की जो उम्र है ना ये आपका 65 वर्ष है। तो अगर सुप्रीम कोर्ट का पूछा गया था तो सर्वोच्च न्यायालय में आपका 65 वर्ष होगा, अगर आपका हाई कोर्ट का पूछा गया था तो 62 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रारंभ में यानी शुरुआत में जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो रिटायर होने की आयु थी ये कितने वर्ष थी, तो याद रखना है कि शुरुआत में आपका 60 वर्ष था, लेकिन बाद में जो आपका 15वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना जो कि आपका 1963 में हुआ था और इस संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा जो है इसके इनकी सेवानिवृत्ति की आयु 60 वर्ष से बढ़ाकर जो है ये 62 वर्ष जो वो कर दिया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि गैब्रो रॉक्स आर एज एग्जाम्पल ऑफ, यानी जो ये आपका गैब्रो है ना ये किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है। तो देखिए गैब्रो की बात कर ले तो ये जो आपका इग्नियस रॉक्स का जो वो उदाहरण है, तो इग्नियस रॉक्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में SHG BLPL का जो इसमें जो है BLPL का जो वो आपका फुल फॉर्म जो वो पूछा गया था। तो देखिए सबसे पहले आप जान लीजिए कि माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में SHG और BLP का फुल फॉर्म क्या होता है। तो देखिए इसका जो पूरा फुल फॉर्म होता है ना ये आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप बैंक लिंकेज प्रोग्राम होता है। तो इसमें आपका L स्टैंड यानी L का जो है पूछा गया था, तो लिंकेज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एस सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका स्वयं सहायता समूह है ना ये आपका भारत में एक कार्यक्रम है और इस समूह का जो उद्देश्य है ना ये विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में जो है गरीब व्यक्तियों को वित्तीय सेवाएं और सहायता जो वो प्रदान करना है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि किस संस्था ने जो है स्वयं सहायता समूह बैंक लिंकेज कार्यक्रम जो है वो शुरू किया था। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि 1992-93 में जो है ये जो आपका नाबार्ड संस्था है इसके द्वारा जो है ये आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप जो है ये आपका शुरू किया गया था। और नाबार्ड का अगर फुल फॉर्म एग्जाम में पूछा जाए तो देखिए नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है ना ये आपका राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक होता है जो कि आपका एक वित्तीय संस्थान है और इसकी जो स्थापना है ना नाबार्ड की स्थापना ये आपका 1982 में हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ सुगर इन इंडिया अकॉर्डिंग टू 2021 पूछा गया था। तो देखिए 2021 के अनुसार या फिर वर्तमान में भी जो है आपका गन्ना का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य है ना ये आपका उत्तर प्रदेश है। तो उत्तर प्रदेश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए उत्तर प्रदेश में जो आपका एक तो आपका गन्ना का सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन किया जाता है, इसके अलावा आपका जो है एक गेहूँ का भी जो है सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है ना ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य में ही किया जाता है। चावल का अगर आपसे पूछा जाए ना तो देखिए चावल का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है ना ये आपका वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि केरल के मन्नारशाला मंदिर में जो आपके नागराज मूर्ति है ना ये किस देवी से जो वो जुड़ी हुई है। तो देखिए नागराज मूर्ति की बात कर ले तो ये आपके नगाइछी देवी की जो है वो अनोखी मूर्ति है। तो अगर ऑप्शन में आपका नगाइछी देवी दिया गया होगा तो नगाइछी देवी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा नागराज की बात कर ले तो ये तो आपका शिव जी को जो वो कहा जाता है, अगर ऑप्शन में आपका शिव जी भी दिया गया होगा तो शिव जी भी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कन्नौज के लिए जो आपका त्रिपक्षीय जो संघर्ष लड़ा गया था ना ये किन सेनाओं के द्वारा जो है वो लड़ा गया था। तो देखिए कन्नौज के लिए जो आपका त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ था ना एक तो आपके गुर्जर प्रतिहार शासक, सेकंड आपके राष्ट्रकूट शासक और थर्ड आपके पाल शासकों के द्वारा जो है ये त्रिपक्षीय संघर्ष जो वो कन्नौज के लिए जो वो लड़ा गया था। तो गुर्जर प्रतिहार, राष्ट्रकूट और पाल वंश आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इन विच ईयर द हिंदू विडो मैरिज रीमैरिज एक्ट वाज पास्ड, यानी किस वर्ष जो है हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम जो है ये पारित किया गया था। तो देखिए अगर हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम की बात कर ले तो इसका जो मसौदा है ना ये आपके डलहौजी के कार्यकाल में जो है इसका मसौदा जो वो तैयार किया गया था, लेकिन ये जो आपका अधिनियम है ना हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ये जो आपका कैनिंग के द्वारा जो है वर्ष 1856 में जो है इसे पारित किया गया था। एग्जैक्ट आपसे मंथ और वर्ष पूछ लिया
लिया जाए तो इसे जो आपका जुलाई 1856 में जो वो पारित किया गया था तो जुलाई 1856 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ रहता है कि विच माउंटेन इज नॉट पार्ट ऑफ हिमालयन रेंज, यानी इनमें से कौन सा जो है हिमालय का हिस्सा नहीं है। तो जहाँ पे ऑप्शन में आपका जो है कलसुबाई शिखर जो है वो दिया गया था, तो देखिए ये जो आपका कलसुबाई शिखर है ना ये आपका हिमालय का हिस्सा नहीं है बल्कि ये जो आपका पश्चिमी घाट का हिस्सा है, तो कलसुबाई शिखर आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर कलसुबाई शिखर की बात कर ले तो ये जो आपका सह्याद्री पर्वत का जो है उच्चतम बिंदु है जो कि आपका महाराष्ट्र के जो है अहमदनगर जिले में स्थित है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहां पर आता है कि नेम द रूड सेप्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, यानी कोशिका में केंद्रक में उपस्थित छड़ आकार की जो संरचना है ना उसका नाम जो आपसे पूछा गया था। तो देखिए रूड सेप्ड स्ट्रक्चर जो आपके प्रेजेंट होता है ना न्यूक्लियस में, ये आपका क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र जो वो होता है, तो क्रोमोजोम आपका यहां पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी हेरेडिटरी कैरेक्टर्स टू द ऑफ स्प्रिंग इन द ऑर्गेनिज्म, यानी निम्नलिखित में से कौन जो है जीव में वंश को वंशानुगत वर्ण जो है वो ले जाता है। तो देखिए जीव में वंश का वंशानुगत जो वर्ण है ना ये आपका गुणसूत्र यानी क्रोमोजोम ही जो वो ले जाता है, तो क्रोमोजोम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विन बेकिंग सोडा एंड विनेगर रिएक्ट देन विच गैस इन्फ्लेट्स ए बैलून, यानी जब बेकिंग सोडा और सिरका की जब प्रतिक्रिया की जाती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो गुब्बारे को जब वो फुलाती है। तो देखिए जब बेकिंग सोडा और विनेगर यानी सिरका का जो रिएक्शन कराया जाता है तो इसमें जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो वो निकलता है जो कि आपका गुब्बारे को जो वो फुलाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर अनुच्छेद 21 से आया था, तो अनुच्छेद 21 जो है ये आपके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की जो है सुरक्षा के मौलिक अधिकार की गारंटी जो वो प्रदान करता है, तो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ऋग्वेद को मूल रूप से जो है ये किस भाषा में जो वो रचा गया था। तो देखिए ऋग्वेद को मूल रूप से जो है ये आपका संस्कृत भाषा में जो वो रचा गया था, हालांकि ऑप्शन में आपका संस्कृत भाषा नहीं दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका वैदिक जो संस्कृत भाषा था ना ये आपका इंडो यूरोपीय भाषा परिवार के जो है इंडो आर्यन उपसमूह का जो है एक प्राचीन भाषा था, तो ऑप्शन में जो आपका इंडो यूरोपियन यानी इंडो यूरोपीय भाषा जो वो दिया गया था, तो इंडो यूरोपियन भाषा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हड़प्पा सभ्यता का स्नानागार जो है ये कहाँ पर स्थित है। तो देखिए हड़प्पा सभ्यता का जो स्नानागार है इसे ग्रेट बाथ के नाम से भी जो वो जाना जाता है, और ये जो आपका पाकिस्तान के सिंध प्रांत के जो है मोहन जोदाड़ो में जो है ये आपका स्थित है। तो ऑप्शन में अगर आपका पाकिस्तान दिया गया हो तो पाकिस्तान आपका करेक्ट आंसर होगा, या फिर ऑप्शन में अगर आपका मोहन जोदाड़ो दिया गया होगा तो मोहन जोदाड़ो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फोर रजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस आर ऑफ ईच आर कंबाइंड इज वेरियस वेज विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी ऑप्टेंड, यानी प्रत्येक प्रतिरोध के जो है आर के चार प्रतिरोधकों का जो है विभिन्न तरीकों से जो ये आपका संयोजित किया जाता है। विभिन्न तरीके कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि आपका पैरेलल में भी जो वो कनेक्ट किया जाता है और सीरीज में भी जो आपका कनेक्ट जो वो किया जाता है। जब इन चार प्रतिरोधों को आपका पैरेलल और सीरीज में कनेक्ट किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है आपका प्राप्त जो वो नहीं किया जा सकता है। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका रेजिस्टेंस का जो आपका रेजिस्टेंस जो है सीरीज में कैसे निकाला जाता है। तो देखिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज में आपका जो है आपको R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 ऐसे करके जो आपको निकालना था सीरीज में। इसके बाद अगर पैरेलल की बात कर ले तो पैरेलल में आपका क्या होता है तो 1/R, इसके अलावा 1/R2, इस प्रकार से आपका जो है ये आपका पैरेलल में जो 1 निकाला जाता है, ये फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। तो ऑप्शन में आपका एक 2R जरूर दिया गया होगा। तो देखिए ये जो आपका 2R है ना ये आपका यहाँ पर जो वो प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो जिस भी ऑप्शन में आपका 2R दिया गया होगा तो 2R आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कि गीत गोविंद के जो है लेखक कौन है। तो देखिए गीत गोविंद के जो लेखक है ना ये आपके जयदेव हैं, और जयदेव की अगर बात कर लें तो ये जो आपके 12वीं शताब्दी के जो है ये आपके भारतीय कवि थे। और गीत गोविंद जो पुस्तक है ना इसमें आपके वृंदावन में जो है कृष्ण गोपी और राधा के बीच संबंधों का वर्णन जो वो किया गया है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि TCS के द्वारा जो है आपके प्रमुख भारतीय लेखक और उनकी पुस्तकों से जो है लगातार प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि पंचतंत्र जो है ये विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है, प्रेम वाटिका जो है ये आपका रस खान के द्वारा लिखा गया है, मृच कटिकम की बात कर ले तो ये आपका सुद्रक के द्वारा लिखा गया है, कामसूत्र की बात कर ले तो ये आपका वात्स्यायन के द्वारा लिखा गया है, दाय भाग जो है ये आपका जिमूत वाहन के द्वारा जो वो लिखा गया है, नेचुरल हिस्ट्री जो पुस्तक है ये आपके प्लीनी के द्वारा जो वो लिखा गया है, दस कुमार चरितम ये जो पुस्तक है ये आपके दंडी के द्वारा लिखा गया है, अवंती सुंदरी ये भी आपका दंडी के द्वारा लिखा गया है, बुद्ध चरितम जो पुस्तक है ये आपका अश्व घोष के द्वारा लिखा गया है, कादंबरी जो ये आपका बाणभट्ट के द्वारा लिखा गया है, अमर कोश जो है ये पुस्तक अमर सिंह के द्वारा लिखा गया है, शाहनामा के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका फिरदौसी के द्वारा लिखा गया है, साहित्य लहरी ये जो पुस्तक है ना ये आपके सूरदास के द्वारा जो वो लिखा गया है, और सूर सागर भी जो पुस्तक है ये आपका सूरदास के द्वारा लिखा गया है, हुमायूं नामा अगर पूछा जाए तो ये आपका गुलबदीन बेगम के द्वारा लिखा गया है, नीति शतक ये जो पुस्तक है ये आपके वृत्त हरि के द्वारा जो है वो लिखा गया है, इसके अलावा श्रृंगार शतक का अगर पूछा जाए तो ये भी आपका भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है, वैर्ण्य शतक ये भी आपका इन्हीं के द्वारा लिखा गया है, मुद्रा राक्षस की बात कर ले तो ये आपका विशाख दत्त के द्वारा जो वो लिखा गया है, अष्टाध्यायी ये जो पुस्तक है ये आपके पाणिनि के द्वारा लिखा गया है, भगवत गीता ये जो आपका वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, महाभारत जो ये आपका वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है, मिताक्षरा जो पुस्तक है ये आपके विगानेश्वर के द्वारा जो वो लिखा गया है, राज्य तरंगिणी जो पुस्तक है ये आपका कलहन के द्वारा लिखा गया है, अर्थशास्त्र की बात कर ले तो ये आपका चाणक्य के द्वारा लिखा गया है, कुमार शंभुवन रघुवंशम इसके अलावा अभिज्ञान शकुंतलम ये तीनों जो पुस्तक है ना ये आपके कालिदास के द्वारा जो वो लिखा गया है, इसके अलावा गीत गोविंद मालती माधव और उत्तर रामचरित ये तीनों जो पुस्तक है ना ये आपके गीत गोविंद जो ये आपका जयदेव के द्वारा लिखा गया है, लेकिन मालती माधव और ये जो आपका उत्तर रामचरित ये दोनों जो पुस्तक है ना ये आपके भवभूति के द्वारा जो वो लिखा गया है, वहीं अगर पद्मावत के बारे में पूछा जाए तो ये आपके मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है, आईने अकबरी और अकबरनामा ये जो पुस्तक है ये आपके अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है, इसके अलावा वीजक रमैनी और सबद ये तीनों जो पुस्तक है ना ये आपके कबीर दास के द्वारा लिखा गया है, किताबुल हिंद के बारे में पूछा जाता है तो ये आपका अलबरूनी के द्वारा लिखा गया है, चित्रागंधा इसके अलावा गीतांजलि विसर्जन और गार्डनर और हंग्री स्टोन्स और गोरा इसके अलावा चंडालिका ये सभी जो पुस्तक है ना ये आपके रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो वो लिखा गया है, अगर भारत भारती के बारे में पूछा जाए तो ये आपका मैथिली शरण गुप्त के द्वारा जो वो लिखा गया है, डेथ ऑफ ए सिटी अगर पूछा जाए तो ये आपका अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है, कागज थे कैनवस ये जो पुस्तक है ये आपका अमृता प्रीतम के द्वारा ही लिखा गया है, 49 डेज ये भी पुस्तक जो आपका अमृता प्रीतम के द्वारा लिखा गया है, इंदिरा गांधी रिटर्न्स ये जो पुस्तक है ये आपका खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, दिल्ली जो पुस्तक है ये भी आपका खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, द कंपनी ऑफ वीमेन ये जो आपका खुशवंत सिंह के द्वारा लिखा गया है, सखाराम वाइंडर ये पुस्तक जो है आपके विजय तेंदुलकर के द्वारा जो है वो लिखा गया है, इंडियन फिलॉसफी के बारे में पूछा जाए तो ये आपका डॉक्टर एस राधाकृष्णन के द्वारा जो वो लिखा गया है, इंटरनल इंडिया ये जो पुस्तक है ये आपके इंदिरा गांधी के द्वारा लिखा गया है, कामायनी के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपका जयशंकर प्रसाद के द्वारा जो वो लिखा गया है, इसके अलावा लाइफ डिवाइन और एसेज ऑन गीता ये दोनों जो पुस्तक है ना ये आपके अरविंद घोष के द्वारा जो वो लिखा गया है, इसके अलावा अनामिका और परिमल ये दोनों जो पुस्तक है ना ये आपके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के द्वारा लिखा गया है, यामा की बात कर ले तो ये आपका महादेवी वर्मा के द्वारा जो वो लिखा गया है, इसके अलावा डिवाइन लाइफ का अगर पूछा जाए तो ये आपके शिवानंद के द्वारा जो वो लिखा गया है, गोदान गबन और कर्मभूमि ये तीनों जो पुस्तक, इसके अलावा ये आपका रंगभूमि ये चारों जो पुस्तक है ना ये आपके मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो वो लिखा गया है, इसके अलावा और अन्य इंपॉर्टेंट अगर बुक्स की बात कर ले तो देखिए ये जो आपका किताबों नाव में कितनी बार और ये जो आपका गोल्डन थ्रेशोल्ड ये दोनों जो पुस्तक है ना ये आपके गोल्डन थ्रेशोल्ड जो है ये आपका सरोजनी नायडू के द्वारा लिखा गया है और कितनी नाव में कितनी बार ये जो पुस्तक है ना ये आपके आज्ञे के द्वारा जो वो लिखा गया है, इसके अलावा पल्लव और चितंबरा ये जो पुस्तक है ना ये आपके सुमित्रानंद पंत के द्वारा जो वो लिखा गया है, इसके अलावा कुरुक्षेत्र उर्वशी ये जो पुस्तक है ये आपके रामधारी सिंह दिनकर के द्वारा लिखा गया है, आर के नारायण के बारे में पूछा जाता है तो देखिए द डार्क रूम मालगुड़ी डेज गाइड पुस्तक इसके अलावा माई डेज इसके अलावा जो है ये चारों जो पुस्तक है ना ये आपके आर के नारायण जी के द्वारा जो वो लिखा गया है और ये जो आपका नेचर क्योर ये जो पुस्तक है ना ये आपके मुरारजी देसाई के द्वारा जो वो लिखा गया है, तो ये सारे इंपॉर्टेंट बुक्स और ऑथर्स के नाम जो है आपको ध्यान में रखना है जहाँ से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रुक्मणी देवी अरुंडेल इज एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म, यानी रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है ये किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से जो वो संबंधित है। तो देखिए रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात कर ले तो ये जो आपका भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित है, और भरतनाट्यम जो ये किस राज्य का जो है ये शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका तमिलनाडु राज्य का जो है एक शास्त्रीय नृत्य है। तो भरतनाट्यम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि भरतनाट्यम नृत्य शैली के पुनर्जागरण का जो नेतृत्व है ना ये रुक्मणी देवी अरुंडेल ने जो है वो किया था, और रुक्मणी देवी अरुंडेल के द्वारा ही जो है 1967 में जो है जो कि आपका मद्रास जिसका वर्तमान में नाम अब चेन्नई हो गया है, और 1967 में जो है मद्रास में कला क्षेत्र फाउंडेशन की भी स्थापना जो है ये आपके रुक्मणी देवी अरुंडेल के द्वारा ही जो है वो किया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है एक आपका थियोसोफिस्ट भी थी, और ये जो आपका एनी बेसेंट से जो है बहुत ज़्यादा जो ये आपका प्रेरित भी हुई थी। इनके अगर पुरस्कार की बात कर ले तो देखिए रुक्मणी देवी अरुंडेल जी को जो है 1956 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, इन्हें 1957 में जो है संगीत नाटक एकेडमी पुरस्कार से भी जो है वो सम्मानित किया गया था। इसके अलावा जो आपका कालिदास सम्मान दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, और इन्हें इस सम्मान से जो है 1984 में जो वो पुरस्कृत जो है वो किया गया था। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अन्य नृत्य से जुड़े कलाकारों के नाम देख ले जहाँ से एग्जाम में आपके लगातार प्रश्न बन रहे हैं, जैसे कि पंडित बिरजू महाराज, गोपी कृष्ण, शंभू महाराज, सितारा देवी, प्रेरणा श्रीमाली, इसके अलावा सुनैना हजारी लाल, कुमदनी लखिया और शोभना नारायण, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपका कथक शास्त्रीय नृत्य से है। भरतनाट्यम की बात कर ले तो इसमें आपके जो टी बाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडले, यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजंती माला, आनंद शंकर जयंत, सीवी चंद्रशेखर, इसके अलावा गुरु एम के सरोजा और शांता और वीपी धनंजन, इन सभी का जो संबंध है ना ये आपके भरतनाट्यम नृत्य से है। मणिपुरी नृत्य में जो है आपके अंबू सिंह, बीनो देवी, राजकुमार सिंह, जीत सिंह, इन सभी का जो संबंध है ये आपके मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य से है। मोहिनी अट्टम में जो है ये आपके श्रीमती कला मंडलम श्रीमावती ये जो है आपके आ जाती है। इसके अलावा कनक रेले का भी जो संबंध है ये आपका मोहिनी अट्टम नृत्य से है। छऊ नृत्य की बात कर ले तो इसमें आपके मकरध्वज दरोगा, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे, इनका जो संबंध है ये आपका छऊ नृत्य से है। ओडिसी में जो आपका केलुचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, गीता महलिक और डॉक्टर मीनाती मिश्रा, इनका जो संबंध है ये आपका ओडिसी नृत्य से है। कथकली की बात कर ले तो इसमें आपके पी के कुंजू कुरूप, कला मंडलम राजन, मुदुवर वासुदेवन नायर, कला मंडलम गोपी, कला मंडलम रमन कुट्टी नायर, इन सभी का जो संबंध है ये आपका कथकली नृत्य से है। कुचिपुड़ी में जो आपका राजा रेड्डी और राधा रेड्डी, इसके अलावा वैजंती काशी, वेम्पति चिन्ना सत्यम, इन सभी का जो संबंध है ये आपका कुचिपुड़ी नृत्य से है। इसके अलावा सत्रिया के बारे में पूछा जाता है तो देखिए धनकंता बोरा बोरबिया, इनका जो संबंध है ना ये आपका सत्रिया नृत्य से है। पांडवानी में आपका तीजन भाई के बारे में पूछा जाता है तो देखिए तीजन भाई जो है ये आपका पांडवानी नृत्य से संबंधित है। इसके अलावा कालबेलिया की बात कर ले तो देखिए ये जो आपके गुलाबो सपेरा है ना ये आपके कालबेलिया नृत्य से संबंधित है, और ये जो आपका कालबेलिया है ये आपका राजस्थान राज्य का जो है एक लोक नृत्य भी है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि कौन जो है खुद का डीएनए रखता है और अपने कुछ प्रोटीन का जो संश्लेषण है वो कर सकता है, तो ऑप्शन में आपका जो है क्लोरोप्लास्ट दिया गया था। तो देखिए क्लोरोप्लास्ट जो है ये आपके पौधे की कोशिकाओं में पाया जाता है, और इसमें भी अपना डीएनए और राइबोसोम होता है जिससे ये जो है आपका प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है आवश्यक प्रोटीन का जो है वो संश्लेषण कर सकता है, तो क्लोरोप्लास्ट आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया की बात कर ले तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है इसे कोशिका का पावर हाउस जो है वो कहा जाता है, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो है अपना डीएनए और राइबोसोम भी होता है जिससे ये कुछ प्रोटीन को जो है स्वतंत्र रूप से जो वो उत्पादन कर सकता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में जनगणना जो जनगणना अधिनियम है ना ये किस वर्ष के प्रावधानों के तहत जो है ये आपका आयोजित किया जाता है, तो देखिए जो आपका जनगणना अधिनियम है ना ये आपके 1948 के प्रावधानों के तहत जो है ये आपका आयोजित किया जाता है, यानी ये जो आपका जनगणना अधिनियम है इसे कब अधिनियमित किया गया था, तो इसे जो आपका 1948 में जो है अधिनियमित किया गया था, तो 1948 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में अगर पूछा जाए कि इस अधिनियम के तहत पहली जो जनगणना ये किस वर्ष में आयोजित किया गया था, तो देखिए 1948 के अधिनियम के तहत पहला जो आपका भारत में स्वतंत्र भारत में पहला जो जनगणना है ना ये आपका वर्ष 1951 में जो वो कराया गया था, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केमिस्ट्री से पूछा गया था, जो कि आपका रासायनिक प्रतिक्रिया से पूछा गया था। पूछा ये गया था कि जब पीबी यानी लेड को जो है कॉपर सल्फेट के साथ मिलाया जाता है तो इसमें जो लेड कॉपर को जो है ये आपका विस्थापित कर देता है, तो ये किस कारण से जो है लेड कॉपर को जो वो विस्थापित कर देता है। आप यहाँ पे रिएक्शन में भी देख सकते हैं कि लेड और कॉपर जो है ये आपका कॉपर सल्फेट के साथ जो है वो मिलाया जा रहा है और इसमें लेड कॉपर को जो है ये आपका विस्थापित जो है वो कर देता है। और देखिए जो लेड है ना ये आपका लेड सल्फेट और तांबा जो वो बनता है, और इस जो ये प्रतिक्रिया होता है ना ये किस कारण से होता है, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी विस्थापन प्रतिक्रिया के कारण होता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि इसमें जो आपका पीबी यानी जो लेड है ना ये आपका कॉपर से जो है अधिक जो है ये आपका प्रतिक्रियाशील है यानी रिएक्टिव है, इसलिए लेड कॉपर सल्फेट से जो है कॉपर को जो है ये आपका विस्थापित कर देता है और स्वयं सल्फेट के साथ मिलकर जो है ये आपका लेड सल्फेट जो है वो बनाता है, और इस प्रक्रिया में जो आपका कॉपर जो होता है ना ये आपका मुक्त हो जाता है और ठोस रूप से जो है ये आपका अलग हो जाता है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि तमस उपन्यास के लेखक कौन है, तो देखिए तमस जो उपन्यास है ना इसके जो लेखक है ये आपके भीष्म साहनी है, तो भीष्म साहनी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए मैं आपको बता दूं कि भीष्म साहनी को ही जो है तपस उपन्यास के लिए जो है इन्हें 1975 में साहित्य अकेडमी पुरस्कार से भी जो वो सम्मानित किया गया था, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो वो तो हो गया आपका तपस के बारे में। अगर तपस्विनी पुस्तक के लेखक के बारे में पूछा जाए तो देखिए ये जो आपका तपस्विनी जो पुस्तक के लेखक है ना ये आपके कन्हैया लाल मनिका लाल मुंशी है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि नेम दिस फर्स्ट कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम यानी भारतीय क्रिकेट टीम के जो है पहले कप्तान का जो वो नाम आपसे पूछा गया था, तो देखिए भारतीय क्रिकेट टीम के जो पहले कप्तान बनाए गए थे ना ये आपके सीके नायडू को जो वो बनाया गया था, और जो आपका पहला जो मतलब कि जो आपका मैच खेला गया था ये आपका इंग्लैंड के खिलाफ जो है भारत ने पहला मैच जो वो खेला था, तो सीके नायडू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा कि एग्जाम में पूछा जाए कि आज़ाद भारत के क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे, तो देखिए आज़ाद भारत के क्रिकेट टीम के जो पहले कप्तान थे ना ये आपके लाला अमरनाथ थे, और इन्होंने जो है 1947-48 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो आपका सीरीज खेला गया था ना उसमें जो है ये कप्तानी किए थे। और एग्जाम में अगर पूछा जाए कि अपने डेब्यू मैच में या फिर भारत के में जो है सबसे पहले शतक लगाने वाले बल्लेबाज कौन थे, तो देखिए ये जो आपके लाला अमरनाथ थे ना इन्होंने अपने डेब्यू मैच में ही जो है इंग्लैंड के खिलाफ जो है यह आपका भारत के लिए जो है पहला टेस्ट शतक भी जो वो लगाया था। अब आप बोलेंगे कि सर टेस्ट के बारे में आप बता रहे हैं, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जब क्रिकेट शुरू हुआ था ना तब आपका टेस्ट फॉर्मेट ही जो वो खेला जाता था, उस समय वनडे और T20 जो वो आपका आयोजन जो वो नहीं किया जाता था, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। वहीं अगर एग्जाम में पूछा जाए कि भारत के पहले वनडे क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, तो देखिए पहले वनडे क्रिकेट टीम के जो कप्तान थे ना ये आपके अजीत वाडेकर थे। वहीं अगर भारत के पहले T20 मैच के कप्तान अगर पूछा जाए तो ये आपके वीरेंद्र सहवाग थे। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि वेयर इज द IPS ट्रेनिंग एकेडमी, यानी ये जो आपका IPS ट्रेनिंग एकेडमी है ये कहाँ पर किया जाता है, तो देखिए जो आपका IPS का जो प्रशिक्षण केंद्र है ना ये आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी है, यहाँ पर जो इन्हें प्रशिक्षण जो वो दिया जाता है। और ये जो आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी ये जो प्रशिक्षण केंद्र है ना ये आपका हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है, तो हैदराबाद तेलंगाना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेलवे लॉन्च द वन स्टेशन वन प्रोडक्ट इनिशिएटिव, यानी निम्नलिखित में से किस रेलवे ने जो है वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल जो है वो शुरू की है, तो देखिए ये जो आपका वन स्टेशन वन प्रोडक्ट पहल जो है ये आपका भारतीय रेलवे के द्वारा जो वो शुरू किया गया है, और किस रेलवे के द्वारा, तो ये आपका साउथ सेंट्रल रेलवे यानी दक्षिण मध्य रेलवे के द्वारा जो है इस पहल को जो वो शुरू किया गया है, तो दक्षिण मध्य रेलवे आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये जो आपका किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो वो लॉन्च किया गया है, तो देखिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ये जो आपका मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज के द्वारा जो है इसे लॉन्च किया गया है, तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हाउ मैनी मेजर पोर्ट्स आर देयर इन इंडिया, यानी भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं। तो देखिए भारत में जो है आपके टोटल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, जिसमें 12 जो ये आपके सरकारी बंदरगाह हैं और एक जो आपका कॉरपोरेट पोर्ट है। तो 13 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा 13 प्रमुख बंदरगाहों का जो आपका लोकेशन एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए ये जो आपका कोलकाता बंदरगाह है ये आपका वेस्ट बंगाल में स्थित है। प्रदीप बंदरगाह की बात कर ले तो ये आपका उड़ीसा राज्य में स्थित है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जो है ये आपका आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। चेन्नई बंदरगाह के बारे में पूछा जाए तो ये आपका तमिलनाडु में स्थित है। तूतीकोरिन पोर्ट जो है ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके अलावा अगर कोचीन बंदरगाह के बारे में पूछा जाए तो ये आपका केरल में स्थित है। न्यू मैंगलोर जो बंदरगाह ये आपका कर्नाटक में स्थित है। मोरमुगो जो आपका बंदरगाह ये आपका गोवा में स्थित है। मुंबई बंदरगाह ये जो आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है ये आपका महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। दीनदयाल बंदरगाह ये जो आपका गुजरात राज्य में स्थित है। एनोर बंदरगाह के बारे में पूछा जाए तो ये आपका तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो ये सारे 13 बंदरगाहों का जो है आपको लोकेशन जो है वो ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का जो वो बढ़ावा जो है वो दिया जाता है। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 के तहत जो है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति और अन्य कमजोर वर्गों के जो है शैक्षिक और आर्थिक हितों का जो बढ़ावा है वो दिया जाता है। तो आर्टिकल 46 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि अनुच्छेद 29 और 30 में जो है ये आपके धार्मिक अल्पसंख्यकों के जो है अधिकारों से जो ये आपका अनुच्छेद जो है वो संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हिमालय की कंचनजंगा की जो चोटी है ना इसकी ऊंचाई जो है वो पूछा गया था। तो देखिए कंचनजंगा चोटी की जो ऊंचाई है ना ये आपका 8,598 मीटर है। वहीं अगर फीट में बात कर ले तो ये आपका 28,209 फीट है। तो मीटर में आपका ऑप्शन दिया गया था तो 8,598 मीटर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर कंचनजंगा की बात कर ले तो ये जो आपका विश्व का तीसरा सबसे ऊंची चोटी है। विश्व का अगर सबसे ऊंची चोटी की बात कर ले तो ये आपका माउंट एवरेस्ट है। इसके बाद आपका जो है कंचनजंगा जो ये आपका विश्व का तीसरा सबसे ऊंची चोटी है। और ये जो आपका कंचनजंगा है ना ये कहाँ पर है तो ये आपका भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए बहुत सारे बच्चे जो यहाँ पर कंफ्यूज रहते हैं कि भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए भारत की सबसे ऊंची चोटी अगर पूछा जाए तो ऑप्शन में आपका अगर गॉडविन ऑस्टिन जिसे K2 के नाम से भी जो है वो जाना जाता है और भारत की जो है ये आपका सबसे ऊंची चोटी है जिसकी हाइट अगर एग्जाम में पूछा जाए तो इसकी जो हाइट है ये आपका 8,611 मीटर है। लेकिन हालांकि मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका गॉडविन ऑस्टिन है ये आपका पूर्ण तरह से जो ये आपका भारत में स्थित नहीं है। ये जो आपका पाक अधिकृत कश्मीर में है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत की भूमि की सबसे ऊंची चोटी भारत में कौन सी है तो ये आपका कंचनजंगा है जो कि आपका सिक्किम राज्य में स्थित है। अगर भारत में पूछा जाए तो भारत में आपका जो है कंचनजंगा करेक्ट आंसर होगा। जब भारत की सबसे ऊंची चोटी रहे और ऑप्शन में आपका गॉडविन ऑस्टिन रहे तो आपका गॉडविन ऑस्टिन फिर करेक्ट आंसर होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 में जो है ये किसे दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूँ कि फोटोग्राफी के क्षेत्र में जो है ये आपके 2023 में पवन कुमार को जो है ललित कला अकादमी राष्ट्रीय पुरस्कार से जो है वो सम्मानित किया गया था। तो पवन कुमार आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि मौर्य वंश की तत्काल बाद जो है किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया था। तो देखिए मौर्य वंश के बाद आपका जो है शुंग वंश ने जो वो शासन किया था और इस वंश की जो स्थापना यानी शुंग वंश की जो स्थापना है ना ये पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो वो किया गया था। पुष्यमित्र शुंग ने जो 185 ईसा पूर्व में जो है अंतिम मौर्य शासक बृहदत्त की हत्या करके जो है शुंग वंश की जो स्थापना जो वो किए थे। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि जो शुंग वंश की जो स्थापना है ना ये किस मौर्य शासक के अंतिम शासक की हत्या करके जो है शुंग वंश की स्थापना जो है ये पुष्यमित्र शुंग ने जो वो किया था। तो ये बृहदत्त की हत्या करके जो है शुंग वंश की स्थापना जो है 185 ईसा पूर्व में जो है पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो वो किया गया था। वहीं अगर मौर्य वंश के अगर संस्थापक की बात कर ले तो देखिए मौर्य वंश की जो स्थापना है ना ये आपके चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो वो किया गया था और चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी के बारे में अगर पूछा जाए तो ये आपके बिंदुसार थे। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो आपके मौर्य वंश के जो शासक बने थे ना ये आपके बिंदुसार बने थे। और मौर्य वंश का सबसे महान शासक अगर पूछा जाए तो ये आपके सम्राट अशोक थे। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अकॉर्डिंग जो है भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के किसी भी सदन में जो है बोलने या फिर इनके अन्यथा कार्यवाही में जो है भाग लेने का अधिकार जो वो होगा। तो देखिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 88 के तहत जो है भारत के अटॉर्नी जनरल को संसद के किसी सदन में बोलने या फिर कार्यवाही में भाग लेने का जो वो अधिकार होगा, लेकिन इन्हें वोट देने का अधिकार जो वो नहीं होगा। तो अनुच्छेद 88 आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि संविधान के अनुच्छेद 76 के तहत जो है भारत के लिए अटॉर्नी जनरल का पद का प्रावधान जो है वो किया गया है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और अटॉर्नी जनरल जो होते हैं ना ये देश के सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होते हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि इन साइकिलिंग व्हाट इज पेलोटॉन, यानी साइकिलिंग में जो है पेलोटॉन का मतलब क्या होता है। तो देखिए साइकिलिंग में पेलोटॉन जो है एक सड़क साइकिलिंग दौड़ में जो है सवारों का मुख्य समूह को जो है यह आपका पेलोटॉन जो है वो कहा जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि स्वच्छ भारत अभियान जो है ये किसके जन्मदिन के अवसर पर जो है वो शुरू किया गया था। तो देखिए ये जो आपका स्वच्छ भारत अभियान है ना ये आपका 2 अक्टूबर 2014 को जो है महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर जो है इसे शुरू किया गया था। तो आपका महात्मा गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा स्वच्छ भारत अभियान की बात कर ले तो ये जो आपका ठोस अपशिष्ट प्रबंधन में सुधार और खुले में शौच को खत्म करने के लिए जो है इसे 2014 में भारत सरकार के द्वारा जो वो शुरू किया गया था। और ये जो आपका अभियान था ना ये आपका राष्ट्रव्यापी अभियान था। और ये जो आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके जो कितने महात्मा गांधी जी के जो है जयंती पर जो है इस अभियान को जो वो शुरू किया गया था, तो 145वीं जयंती पर जो है महात्मा गांधी जी के जो है इस अभियान को जो वो शुरू किया गया था। क्योंकि महात्मा गांधी जी का जो जन्म है आपका 1869 में हुआ था और इनकी जो मृत्यु है आई थिंक आपका 30 जनवरी 1948 को हुआ था। तो 1869 से आप जोड़ सकते हैं कि 145वीं जयंती पर जो है इनका जो है इनकी जयंती पर जो है आपका ये जो आपका स्वच्छ भारत अभियान जो है वो आपका शुरू किया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर है कि एक साथ एक दिन एक घंटा ये जो आपके किस स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है या फिर कुछ इस प्रकार से था। तो देखिए एक साथ एक दिन और एक घंटा जो है ये आपके महात्मा गांधी से जो है वो संबंधित है, क्योंकि महात्मा गांधी जयंती से एक दिन पहले जो आपका 2023 में ये जो आपका अभियान जो है वो चलाया गया था। और ये जो आपका स्वच्छता पखवाड़े का हिस्सा था और इसका जो उद्देश्य था ना वो देशवासियों को एक साथ आकर जो है सार्वजनिक जगहों की सफाई में योगदान देना, ये जो आपका इस अभियान का वो उद्देश्य था। तो महात्मा गांधी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में हिंदू का जो आबादी का प्रतिशत है ना ये सबसे अधिक रहा था। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार आपके भारत में हिंदू आबादी का जो प्रतिशत सबसे ज़्यादा जो रहा था ये आपका हिमाचल प्रदेश में रहा था। हिमाचल प्रदेश में जो आपका हिंदू आबादी का जो प्रतिशत है ना ये ऑलमोस्ट आपका 96% रहा था। तो हिमाचल प्रदेश आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर भारत में आपसे पूछा जाए कि हिंदू आबादी का प्रतिशत कितना रहा था तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिंदू आबादी का जो प्रतिशत है ना ये आपका 79.8% रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। और सबसे कम हिंदू आबादी वाला राज्य अगर पूछा जाए प्रतिशत में तो ये आपका मिजोरम राज्य का रहा था। मिजोरम राज्य का जो आपका हिंदू आबादी का प्रतिशत है ना ये मात्र आपका 2.75% रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो ये तो हमारा राज्य हो गया। अगर केंद्र शासित प्रदेश की बात कर ले तो देखिए सबसे ज्यादा जो हिंदू समुदाय का जो प्रतिशत रहा था ना ये आपका दादरा और नगर हवेली में रहा था, जो कि आपका 93.93% रहा था। इसके बाद सबसे कम अगर केंद्र शासित प्रदेश के बारे में पूछा जाए तो ये आपका लक्षद्वीप में रहा था, जो कि आपका 2.77% रहा था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा भारत में जो पहली जनगणना है ये आपका 1872 में जो है आपका मेयो के कार्यकाल में जो है आपका शुरू किया गया था। और भारत में अगर पहली नियमित जनगणना अगर क्वेश्चन में दिया रहा है नियमित जो जनगणना है ना ये आपका 1881 में जो है रिपन के कार्यकाल में जो वो शुरू किया गया था। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या वाला जो राज्य रहा था ना ये आपका उत्तर प्रदेश रहा था, उसके बाद आपका जो है महाराष्ट्र राज्य रहा था। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य अगर पूछा जाए तो ये आपका सिक्किम राज्य रहा था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।